देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है मॉर्निंग न्यूज का, जिसमें हम आज की खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कांग्रेस का छात्र संगठन मध्य प्रदेश में नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया आज यानी 15 जुलाई को सीएम हाउस का घेराव करेगी। बता दें कि नर्सिंग घोटाले समेत चार मांगों को लेकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा, जिसमें एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होंगे। टीएनबी लॉ कॉलेज में नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू होने वाली है। बता दें कि आज यानी 15 जुलाई से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। इससे छात्रों को काफी सुविधा होने वाली है। 3 वर्षों से बंद पड़े लॉ कॉलेज में नामांकन की प्रक्रिया से भागलपुर समेत आसपास के जिले के छात्र छात्राओं को लॉ की डिग्री मिल पाएगी। आज यानी 15 जुलाई से खंडवार हैप्पी कार्ड का वितरण किया जाएगा। बता दें कि रेवाड़ी धारूहेड़ा होल व डहीना खंड के लाभार्थी, रेवाड़ी स्थित बस स्टैंड से नाहर व जाटू साना खंड के लाभार्थी, बस स्टैंड कोसली से और बावल खंड के लाभार्थी बनीपुर चौक स्थित आईएमटी बावल बस स्टैंड से कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। तुनवाल ई मोटर्स लिमिटेड आईपीओ आज यानी 15 जुलाई को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने वाला है। बता दें कि ये 115.64 करोड़ रुपए का फिक्स्ड प्राइस इशू है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसका प्लांट पलसाना में स्थित है और इसकी क्षमता 41,000 यूनिट तक उत्पादन करने की है। जेवियर लेबर रिलेशंस इंस्टीट्यूट आज से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन। बता दें कि जो उम्मीदवार एमबीए कोर्स में एडमिशन चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट zonline.com पर आज यानी 15 जुलाई से आवेदन कर सकते हैं। जैट के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख नवंबर के आखिरी सप्ताह में निर्धारित की गई है। आज यानी 15 जुलाई को राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। ये कार्यक्रम बिरला ऑडिटोरियम में सुबह 11 बजे से आयोजित किया जाएगा। बता दें कि डॉक्टर मेहरडा ने इस स्थापना दिवस के महत्व और कार्यक्रम के विवरण पर जोर दिया। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य समाज में भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना और एक भ्रष्टाचार मुक्त समाज की स्थापना के लिए सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। दिल्ली के वकील आज यानी 15 जुलाई को काम नहीं करेंगे। बता दें कि वे नए क्रिमिनल कानूनों का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली की 7 जिला अदालतों के वकीलों ने ये फैसला लिया है। वो लोग इन नए कानूनों से खुश नहीं हैं, इसलिए वो अपना विरोध जताने के लिए 15 जुलाई को न्यायिक काम का बहिष्कार करेंगे। कानपुर के राजकीय व अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी गई है। बता दें कि आज से हर विद्यालय में बायोमेट्रिक हाजिरी लगानी होगी। इसका विवरण प्रतिदिन शिक्षा निदेशक को भेजा जाएगा। शिक्षा निदेशक ने जिला विद्यालय निरीक्षक को भेजे आदेश में कहा है कि वेतन बिल के साथ बायोमेट्रिक हाजिरी की प्रति भी लगानी होगी। पटना में सीबीएसई बोर्ड सप्लीमेंट्री थ्योरी परीक्षाएं आज यानी 15 जुलाई से होंगी। बता दें कि बोर्ड ने प्राइवेट और रेगुलर दोनों ही विद्यार्थियों के लिए कंपार्टमेंट एडमिट कार्ड जारी किया है। 10वीं और 12वीं की सप्लीमेंट्री प्रैक्टिकल परीक्षाएं बीते शुक्रवार से शुरू हो गई हैं। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। बता दें कि आगामी 24 घंटे में सरगुजा, जशपुर व बलरामपुर के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वक्त हो गया है आज के इतिहास का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं आज के इतिहास पर। आज ही के दिन सन 1962 में गुजरात के कुशल राजनीतिज्ञ भूपेंद्र पटेल का जन्म हुआ था। आज ही के दिन सन 1967 में मराठी रंगमंच के महान नायक और प्रसिद्ध गायक बाल गंधर्व का निधन हुआ था। आज ही के दिन सन 1999 में चीन द्वारा न्यूट्रॉन बम की क्षमता हासिल करने की स्वीकारोक्ति हुई थी। आज ही के दिन सन 2000 में सियरा लियोन में सैन्य कार्यवाही द्वारा सभी भारतीय सैनिक बंधक मुक्त हुए थे। आज ही के दिन सन 2002 में अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल के हत्यारे उमर शेख को पाकिस्तानी अदालत द्वारा मौत की सजा सुनाई गई थी।
मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।